स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। और उससे पहले नए हो तो यार प्लीज चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों इसी तरह से नागपुरी से रिलेटेड वीडियो आपको मिलती रहेगी। सो गाइस इस वीडियो पर लास्ट एंड तक बने रहो, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। सो गाइस पिछले वीडियो में भी आप लोगों ने काफी ज्यादा प्यार दिया, इसीलिए हम इस वीडियो को पार्ट टू लेके आ रहे हैं, जिसमें आपको आज हम बताएंगे रोहित आर्की के लाइफ स्टाइल के बारे में। तो चलिए गाइस डिटेल से बताते हैं। तो सबसे पहली बात, रोहित रहने वाले हैं झारखंड के रांची शहर के, जिनमें रांची में खुद का पैलेस है और पूरा फैमिली के साथ रहते हैं। तो बात करें रोहित आर्की की कुछ प्लस पॉइंट की और खास बात की, तो नागपुरी इंडस्ट्री में ऐसे कम बैक किए और ऐसे एंट्री किए जिस टाइम हॉलीवुड इंडस्ट्री काफ़ी गिरता जा रहा था। तो दोस्तों एक खास बात बता दें कि हॉलीवुड इंडस्ट्री काफ़ी समय से चलता आ रहा है, लेकिन एक समय ऐसा था जिस टाइम काफ़ी ज़्यादा गिरता जा रहा था, और ये वही टाइम था जिस टाइम कैसेट का ज़माना ख़त्म होते जा रहा था और सभी इंडस्ट्री यूट्यूब में शिफ्ट हो रहे थे। और उस टाइम हॉलीवुड इंडस्ट्री डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ग्रो नहीं किया था, और उस टाइम काफ़ी ज़्यादा काम ठप पड़ गए थे और काफ़ी एक्टर्स ने भी काम करना छोड़ दिया था। तभी रोहित गजब की कमबैक की और अपना एल्बम रूपारे रिलीज की, जिनको पब्लिक ने काफ़ी ज़्यादा पसंद किया है और एक सुपरहिट एल्बम बन गया। और रूपा रे रोहित की ये एक पहली एल्बम है जो कि नागपुरी इंडस्ट्री में हॉलीवुड इंडस्ट्री में 40 मिलियन व्यूज पार करने की टैग हासिल की है। और रूपा रे एल्बम के बाद ही रोहित को काफ़ी ज़्यादा पहचान मिली नागपुरी इंडस्ट्री में, और ये और इस एल्बम के बाद काफ़ी ज़्यादा पहचान मिलने के बाद एक से एक एल्बम रिलीज करते गए, जिनमें से काफ़ी ज़्यादा सुपरहिट होते गए, जिनमें से मिलियनों में व्यूज़ हैं। रोहित की कुछ खास बात करें तो रूपा रे एल्बम के बाद ही ज़्यादा पहचान मिली, और रूपा रे एल्बम के से पहले रोहित को उतना ज़्यादा पहचान नहीं मिली थी और नहीं जानते थे कि कैसेट के ज़माने में भी रोहित बहुत ही ज़्यादा हार्डवर्क करते थे और हॉलीवुड इंडस्ट्री में भी अपना डांस हार्डवर्क करने के बाद ही एंट्री मिली है। और बता दें कि झारखंड नेशनल फिल्म अवार्ड में रोहित को बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी मिला है, और झारखंड में पूरा फेमस होने के बाद बॉलीवुड में भी एंट्री की, जिनमें से उनका फर्स्ट मूवी था इलाका किशोरगंज, और ये एक बॉलीवुड हिंदी फिल्म है। रोहित की अपकमिंग मूवी के बारे में बात करें तो रोहित की आने वाली 6 फिल्में हैं, जिनमें से 2 बॉलीवुड के मूवी हैं और 4 नागपुरी फिल्म हैं जिनमें से अभी आने वाली हैं और अभी लॉकडाउन के बाद आएगी, जिनका नाम है करणवीर, जिसका पोस्टर भी रिलीज कर दिया गया है। तो गाइस वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जा रही है, इसलिए इस वीडियो में इतना ही। और अगर इस वीडियो को भी पिछले वीडियो की तरफ प्यार देते हैं तो इस वीडियो को पार्ट 3 जरूर आएगी, जिनमें से और भी जो बात मैंने आपको नहीं बताई उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो गाइस रोहित आर्की के बारे में आप लोग भी जानते हैं तो नीचे कमेंट में कमेंट कीजिए, उनको भी मैं ऐड करने की कोशिश करूँगा।